बाद वो सभी उस पौधे को लेकर जिसकी जड़ों में कुछ लगा हुआ था, तोते भैया के पास जाते हैं। अरे कालू, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज तुम मेरे लिए खाने में कुछ भी नहीं लेकर आए, तो मैं कल अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। क्या तुमने मुझे ऐसे भूखी मारने के लिए शादी की थी? अरे गोरी, मैं क्या करूं? जब से ठंड शुरू हुई है तब से पेड़ पौधे सूख गए हैं। मैंने कल भी बहुत कोशिश की थी मगर मैं कुछ भी ना ला सका। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मैं भूख से मर रही हूँ। कालू बेचारा करता भी क्या, वो रोज की तरह आज भी घर से निकल जाता है। फिर कालू कौवा सीधा मीनू चिड़िया के पास जाता है। वहाँ पर मानू चिड़ा और नैना चिड़िया भी भोजन को लेकर काफी ज्यादा परेशान बैठे थे। अरे दोस्तों, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप सबके घर में कुछ है? हम भी इसी जंगल में रहते हैं कालू भैया, और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम भी बहुत भूखे हैं। हम सब पक्षियों को कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूख के कारण मर जाएंगे। अरे कालू भैया, हम सब मिलकर भोजन ढूंढने चलते हैं। आप पूरब वाली दिशा में जाओ और हम सब पश्चिम वाली दिशा में जाते हैं। जिस किसी को भी भोजन मिलेगा, हम बाद में उसे आपस में बांट लेंगे। फिर उसके बाद वो सब ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा पूर्व वाली दिशा की तरफ जाता है और वो सब पश्चिम दिशा की तरफ निकल जाते हैं। कालू कौवा उड़ते उड़ते बहुत दूर तक निकल जाता है। तभी कालू कौवा को उस पार एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर पके हुए नींबू लगे हुए थे। मगर कालू कौवा ये तो नहीं जानता था कि ये किस चीज का पेड़ है, लेकिन उन फलों के रंग को देखकर कालू कौवा वहां चला जाता है। ये फल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा और बहुत ही ज्यादा पका हुआ भी है। भोजन तो मिल गया। अब मैं सब पक्षियों को यहाँ पर बुला लाता हूँ। मैंने कर लिया, जिंदगी में पहली बार मैंने बड़ा काम कर लिया। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और वो तो बहुत तेज उड़ रहा था और वो अपनी बाकी दोस्तों को भी ढूंढ लेता है। जल्दी चलो दोस्तों, जल्दी चलो। अब भोजन की समस्या खत्म हुई। मैंने जंगल के उस पार एक फलदार पेड़ की खोज की है जिस पर पके हुए पीले रंग के फल लगे हुए हैं। ये बात सुनकर सब पक्षी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह कालू भैया, आज तो तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद वो सभी कालू कौवा के साथ जाते हैं। फिर वो सब पक्षी उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, देखने में तो ये फल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने पहले तो कभी भी ये फल नहीं देखा है। कहीं ये जहरीला फल ही ना हो। अरे नैना चिड़िया, तुम एक फल खाकर तो देखो कि इसका स्वाद कैसा है। ना बाबा ना, मुझे मरने का शौक नहीं है। मैं पहले ये फल नहीं खाऊंगी। अगर ये फल जहरीला हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी। किसी ना किसी को तो ये फल खाकर इसका स्वाद देखना ही होगा। अरे दोस्तों,
तुम सब मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम सब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे। अगर तुम सब वादा करते हो तो मैं ही इस फल को पहले खा लेता हूँ। फिर सब पक्षी कालू कौवा से वादा करते हैं। अरे कालू भैया, आप हम सब में से बड़े हैं, अब ये मुश्किल काम आपको ही करना होगा। हम सब आपको बचा लेंगे अगर ये फल जहरीला हुआ तो। फिर कालू कौवा डरते डरते उस पेड़ से एक नींबू तोड़कर खाने लगता है। छी, मेरी चोंच, ये फल तो बहुत खट्टा है, इसका स्वाद तो कुछ अजीब सा है। नहीं, ये कोई खाने वाला फल नहीं है। अरे कालू भैया, हम सब तो ऐसे ही खुश हो रहे थे इस फल का रंग देखकर। फिर वो सब दोस्त बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। हम सब हिम्मत नहीं हारेंगे, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ। हम झाड़ियों में जाकर कुछ पौधे जमीन से निकाल कर देखेंगे। जैसे पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं, ऐसे ही पौधों के नीचे जमीन में कुछ खाने के लिए मिल सकता है। जैसे चिड़िया बहन आलू, और जैसे कोई गाजर भी मिल सकती है हमें। ऐसा सोच कर वो सब पक्षी वहाँ से झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। वो सब पक्षी छोटे पौधों को जमीन से निकाल निकाल कर देखते हैं, लेकिन उन्हें जड़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। फिर कालू कौवा एक पौधे को जमीन से निकालता है और चीख कर कहता है, देखो पक्षियों, इस पौधे की जड़ में कुछ है। कालू कौवा की आवाज सुनकर वो पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू, ये क्या चीज है, मैंने ऐसी चीज पहले तो कभी भी नहीं देखी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चीज खाने वाली ना हो। चलो तो हम इसे खाकर देख लेते हैं। मगर इस बार मैं नहीं खाऊंगा, इस बार कोई और खाएगा, क्योंकि मेरी चोंच तो वो पीला फल खाकर अभी तक खट्टी है। ऐसे जहरीले फल खाने से हम मर भी सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम तोते भैया के पास चलते हैं, उन्हें जरूर इसके बारे में पता होगा। ये उपाय तो ठीक है मीनू चिड़िया। चलो मीनू चिड़िया, हम अभी तोते भैया के पास चलते हैं। फिर उसके बाद वो सभी उस पौधे को लेकर जिसकी जड़ों में कुछ लगा हुआ था तोते भैया के पास जाते हैं। अरे पक्षियों, आज आप सब यहाँ पर क्यों आए हो? अरे तोता भैया, हमें कुछ मिला है और हम इसे खाने से डर रहे हैं, इसीलिए तोते भैया हम आपको ये पूछने आए हैं कि ये कोई खाने वाली चीज है। अरे हाँ पक्षियों, ये मूंगफली है और इन्हें भूंजकर खाया जाता है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। मूंगफली तोते भैया, तो फिर तो हमें भोजन मिल गया, हमें ढेर सारा भोजन मिल गया। और हम पक्षियों तो इन मूंगफलियों को सर्दियों में खूब शौक से खाते हैं। अरे तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मेहनत रंग लाई और हमें खाने के लिए भोजन मिल गया। फिर वो सब पक्षी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया आग जलाती है और आग पर एक बड़ी कढ़ाई रखती है।
कालू कौवा मूंगफली के पौधे जमीन से निकाल कर लाता है। नैना चिड़िया और मानू चिड़ा मूंगफली के पौधे में से मूंगफली तोड़ तोड़ कर कढ़ाई में डालते हैं। चिड़िया कढ़ाई में डालकर मूंगफली को भूंजती है। वो सब मिलकर काम करते हैं और वो सभी ढेर सारी मूंगफली को भूंज लेते हैं। अब सबसे पहले मैं खाकर बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। ऐसा कहकर कालू कौवा एक मूंगफली खाने लगता है। नहीं, इसमें कुछ मिला हुआ है, जैसे छिलके, मेरे मुंह में छिलके आ रहे हैं। रुको रुको, शायद इसे छील कर खाना होगा। फिर उसके बाद मीनू चिड़िया मूंगफली का छिलका निकाल कर खाती है। अरे मीनू चिड़िया, अब कैसा लगा? इसका स्वाद अब कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है ये मूंगफली। इन मूंगफलियों को छील कर ही खाना होगा। मुझे बहुत अच्छी लगी है। फिर उसके बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उन भूंजी हुई मूंगफलियों को आपस में बांट लेते हैं और अपने अपने घर को ले जाते हैं। अरे गोरी, देखो मैंने कह लिया, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे कालू, ये क्या है? मैंने ये खाने वाली चीज तो पहले कभी नहीं देखी। ये तुम मेरे लिए क्या उठा लाए हो? फिर कालू कौवा उस मूंगफली को अपनी पत्नी के सामने खाता है। देखो गोरी, इसे ऐसे छील कर खाते हैं। अच्छा, तो लाइए मैं भी खाकर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी मूंगफली खाती है और उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे कालू, ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। अरे गोरी कौवी, ऐसे पौधे हमारे जंगल में बहुत सारे हैं। अब हमें ठंड के मौसम में भोजन की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे जंगल के सभी पक्षी अपने लिए नया भोजन ढूंढ कर बहुत खुश थे। इतनी तेज ठंड के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ झड़ रही थी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अरे पक्षियों, इस बार तो काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और ये ठंड तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। और गोरी कौवी तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है कि मैं नहा लूं। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी तेज ठंड में इतने ठंडे पानी से कैसे नहा लूं? अरे हाँ कालू, ये बात तो तुम एकदम ठीक कहते हो। मैंने भी इतनी तेज ठंड में 10 दिनों से नहीं नहाया है। अरे हाँ बच्चियों, तुम एकदम ठीक कहते हो, लेकिन हमें नहाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम नहीं नहाएंगे तो गंदगी के कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। परंतु मीनू चिड़िया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गंदगी के कारण नहीं बल्कि ठंडे पानी से नहाकर बीमार पड़ जाऊंगी। अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तो सोच लिया है कि जब तक ठंड का मौसम नहीं चला जाता है तब तक मैं नहीं नहाऊंगा। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है और मीनू चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़ा को नहाने के लिए कह रही होती है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं नहाना है। हमारी टॉयलेट में नहर का ठंडा पानी आता है और उसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी होता है, इसीलिए मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मानू चिड़ा, अगर तुम नहीं नहोगे तो मैं तुम्हें बहुत डांट लगाऊंगी, इसीलिए जल्दी से चलो नहाने के लिए।
फिर उसके बाद मीनू चिड़िया अपने बेटे को नहलाने के लिए ले आती है। अरे बाप रे, यहाँ पर तो काफी ज्यादा लंबी लाइन है। मुझे लगता है सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को नहलाने के लिए आए होंगे। इस तरह सभी पक्षियों के बच्चे उस ठंडे पानी से नहा रहे होते हैं। अरे गोरी कौबी, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब मैंने तुमसे मना किया था कि जब तक ठंड का मौसम नहीं चला जाता है तब तक मैं और राजू कौवा नहीं नहाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने मेरे राजू कौवे को क्यों नहलाया है? देखो देखो, मेरे राजू कौवे को कितनी जोरों से बुखार चढ़ गया है। अरे कालू जी, मुझे क्या पता था कि राजू कौवा बीमार पड़ जाएगा। मैंने तो बस सब पक्षियों के कहने पर अपने बेटे को नहलाया था। देखो गोरी कौबी, तुम्हें जितना नहाना है जाओ जाकर नहा लो, लेकिन अब तुम मेरे बेटे और मुझे नहलाने की कोशिश मत करना। राजू कौवे की तरह मानू चिड़िया भी काफी ज्यादा बीमार हो जाता है। अरे बाप रे, अरे तोता बैज जी, मुझे क्या पता था कि सभी पक्षी अगर नहा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम नहाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? बस मीनू चिड़िया, अब हम सब पक्षियों ने फैसला कर लिया है कि जब तक ठंड का मौसम नहीं चला जाता है तब तक हम में से कोई भी पक्षी नहीं नहाएगा। अरे पक्षियों, अगर तुम नहीं नहाओगे तो फिर तुम और भी ज्यादा गंदे हो जाओगे, और फिर गंदगी से तो और भी ज्यादा तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो फिर तोता बैज जी, हम क्या करें? अब आप ही हमें बताओ। अरे पक्षियों, अगर तुम सब पतीली में पानी गर्म करके नहाओगे तो इससे तुम सब बीमार भी नहीं पड़ोगे और तुम आसानी से नहा सकते हो। अरे तोता बैज जी, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है। अब हम सब पक्षी एक बड़े से पतीले में पानी गर्म कर लेंगे और फिर हम सब पक्षी उसी गर्म पानी से एक एक करके नहा लेंगे। अरे हाँ मीनू चिड़िया, ये सब ठीक रहेगा। अब हम सब पतीले में पानी गर्म करके खूब मजे से नहाएंगे। फिर उसके बाद सब पक्षी लकड़ियों में आग जला लेते हैं और फिर बड़ी सी पतीली में पानी गर्म करने लगते हैं। अरे पक्षियों, पानी गर्म हो गया है, अब बताइए कि पहले कौन नहाएगा? अरे मीनू चिड़िया, सबसे पहले मैं नहाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरे 12 दिनों से नहीं नहाया है। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, सबसे पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैंने भी पूरे 12 दिनों से नहीं नहाया है। अरे नहीं नहीं गुड़िया बहन, सबसे पहले मैंने बोला है, इसीलिए सबसे पहले मैं ही नहाऊंगा। अरे गुड़िया बहन, सबसे पहले कालू कौवा को ही नहा लेने दो, इससे क्या होता है, आखिर में नहाना तो सबको ही है ना? अच्छा ठीक है कालू जी, सबसे पहले तुम नहा लो। फिर उसके बाद कालू कौवा नहाकर आ जाता है और पतीली का सारा पानी भी खत्म हो जाता है। अरे वाह पक्षियों, मुझे तो नहाकर मजा ही आ गया। ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाने का तो मजा ही कुछ और है। अरे कालू कौवे, तुमने तो मजा के चक्कर में सारा गर्म पानी ही खत्म कर दिया है, अब हमें दोबारा से पानी गर्म करना पड़ेगा। अरे पक्षियों, कोई बात नहीं है, हम दोबारा से पानी गर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद सभी पक्षी फिर से उस पतीली में पानी गर्म करने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है
और कालू कौवा और गोरी कौबी आपस में बातें कर रहे थे। अरे कालू जी, आपको तो नहाने के लिए बहुत सारा गर्म पानी चाहिए होता है। अब क्या मैं पूरे दिन आपके लिए पानी ही गर्म करती रहूंगी? मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। हाँ तो गोरी को भी क्या हो गया, गर्म पानी से नहाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बस कालू जी बस, मुझसे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होगी। अगर तुम्हें नहाना है तो बाल्टी को लेकर नहर के पास जाओ और वहाँ से एक बाल्टी पानी भर कर लाओ और फिर उसके बाद पतीली में पानी को डालकर गर्म करो और फिर उसके बाद जाकर नहा लो। अच्छा ठीक है गोरी को भी, मैं सब काम खुद ही कर लूँगा और वैसे भी तुम तो मेरा कोई भी काम नहीं करती हो। अब ठंडे पानी की समस्या दूर हो गई थी तो सब बच्ची इतनी कठिन मेहनत करने से काफी ज्यादा परेशान थे। इसी कारण मीनू चिड़िया भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है, पतीली में पानी गर्म करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पहले नहर से जाकर पानी लेकर आओ और फिर तब जाकर पतीली में पानी गर्म करो। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है हम सब बच्चियों के लिए, इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और फिर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर किसी बच्ची का बच्चा अगर गर्म पानी में गिर गया तो फिर उसका क्या होगा? नहीं भाई नहीं, ये काम हम बच्चियों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसीलिए मुझे फौरन जाकर सब बच्चियों से मना करना होगा। अगले दिन मीनू चिड़िया के पास तोता आता है और वो मीनू चिड़िया से कहता है, अरे भाई तोता भैया, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मीनू बहन, वो क्या है कि गुड़िया चिड़िया अपने घर में पानी गर्म कर रही थी तो उसका शरारती बच्चा उस गर्म पानी में गिर गया है और वो पूरी तरह से जल गया है। और अब मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं अपने घर में पानी गर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर एक भी बच्चा जल गया तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो जिस बात का डर था वही हुआ। बेचारी गुड़िया चिड़िया का बच्चा कितनी ज्यादा तकलीफ में होगा। अरे मीनू चिड़िया, इस समस्या की वजह से तो जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा ही परेशान हैं और थोड़ी ही देर में कालू कौवा सब पक्षियों को लेकर तुम्हारे घर में आने ही वाला होगा। इस समस्या का कोई हल ढूंढने के लिए। अरे तोता भैया, तुम एकदम ठीक कहते हो, अब हमें इस समस्या का कोई ना कोई अच्छा सा हल ढूंढना ही होगा। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा सब पक्षियों को लेकर मीनू चिड़िया के घर आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, इस तरह पतीली में पानी गर्म करने का उपाय तो ठीक नहीं है, इसीलिए हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। अरे यहाँ मीनू चिड़िया, अब तो मैं पानी गर्म ही नहीं करूँगा और इससे अच्छा है कि अब मैं नहाऊंगा ही नहीं। अरे पक्षियों, ना नहाना गंदे रहना ये तो कोई समस्या का हल नहीं है। मेरे पास एक उपाय है लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। अरे बताओ तो मीनू चिड़िया कि आखिर में वो क्या उपाय है? देखो पक्षियों, दूसरे जंगल के पक्षियों ने अपने टॉयलेट में एक गर्म पानी का हीटर लगवाया हुआ है और उससे पानी अपने आप ही गर्म होता है और इस तरह पक्षियों को किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता है। और मैं सोच रही हूँ कि हम सब पक्षी भी अपने टॉयलेट में वैसा ही गर्म पानी का हीटर लगवा लेते हैं।
अरे हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। चलो चलो पक्षियों, अब हम सब अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे ले आते हैं और फिर हम भी अपने टॉयलेट में गर्म पानी का हीटर लगवाएंगे। थोड़ी देर बाद सब पक्षी अपने अपने घर से पैसे लाकर मीनू चिड़िया के पास जमा कर देते हैं। चलो पक्षियों, अब मैं बाजार जाकर पानी गर्म करने का अच्छा सा हीटर ले आती हूँ। कुछ ही देर के बाद एक पक्षी आकर पक्षियों के टॉयलेट में गर्म पानी करने का हीटर लगा देता है। अरे पक्षियों जाओ जाओ और नहा लो टॉयलेट में, क्योंकि अब टॉयलेट में गरम गरम पानी आ रहा है। फिर उसके बाद एक एक करके सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को नहलाने लगते हैं और अब उन पक्षियों को अब किसी भी बात का डर नहीं था। तुम भी यहाँ पर आ गई हो, वैसे भी मेरे भाई को चिड़िया का मांस तो बहुत पसंद है। चिड़िया बहन, हम सबसे तो धोखा हो गया है और ये चील हमें खाने वाला है, इसीलिए तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं तो ये मीठे मीठे रसगुल्ले लाई थी आपके दोस्तों के लिए। अच्छा, तो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। लाओ दो, हम इन रसगुल्लों को खा लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों चील चिड़िया से रसगुल्ले छीन कर खाने लगते हैं और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। भागो भागो, सब भागो यहाँ से, जल्दी करो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई चीज मिले तो उसे आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि मूंगफली किसे मिली थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।